Assalamualaikum. Welcome back. Today we are going to discuss a paper for lecturer biology. So let's start. When a water molecule is added to fumarate, it produces succinate, malate, oxaloacetate, citrate. यहाँ पे बात हो रही है Krebs cycle की. Krebs cycle में जब हम fumarate में water molecule add करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास क्या बनता है? Malate. यानी कि ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स. एनिमल्स के लिए मेन सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की? फर्स्ट वन है स्टार्च, सेकंड वन सुक्रोज, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन. सो जो मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का वो स्टार्च है. द थ्री प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सक्लूड विच ऑफ फॉलोइंग. यानी इन ऑप्शंस में से तीन जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक इनके अलावा है. फर्स्ट वन फोटोसेंसिस, अब्सॉर्प्शन, डिकम्पोजिशन, इंजेशन. सो फोटोसेंसिस, अब्सॉर्प्शन एंड इंजेशन ये तीनों मोड हैं न्यूट्रिशन के, और डिकम्पोजिशन जो है वो न्यूट्रिशन का मोड नहीं है. द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल ऑफ क्लोरोफिल इज फाइटोल गिवन बाय. यानी कि हमने फाइटोल का फार्मूला देखना है क्या होता है. तो फाइटोल का फार्मूला है C20H39, यानी कि ऑप्शन सी. असाइल क्रिस्टोल्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्रिस्टोल एंड फैटी एसिड. दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ईथर, एस्टर, कीटोन और एल्डिहाइड. असाइल क्रिस्टोल जो बनते हैं ना, उनमें कौन सा रिएक्शन होता है क्रिस्टोल और फैटी एसिड के दरमियान? ईस्टर रिएक्शन. माइकोराइजल फंजाई इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ वस्कुलर प्लांट्स. अबाउट हाउ मैनी प्लांट्स have this association. ये माइकोराइजा जो है ये बेसिकली एसोसिएशन है फंजाई और प्लांट्स के दरमियान में, और ऑलमोस्ट 95% प्लांट्स जो होते हैं ना वो ये एसोसिएशन रखते हैं. द वॉल्यूम ऑफ फेज इज अबाउट, यानी जो बैक्टेरियोफेज होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो उसका अपने होस्ट से कंपेयर करके हमने बताना है. तो 1/1000 टाइम्स होता है होस्ट के वॉल्यूम से वो, ठीक है? यानी अगर 1000 टाइम्स होस्ट का वॉल्यूम हो तो 1 टाइम जो है वो फेज का वॉल्यूम है. 1/1000 टाइम, यानी ये बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर टू इट्स होस्ट. फोटो रिस्पायरेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कार्बन फिक्स्ड इन कार्बोहाइड्रेट्स. फोटो रिस्पायरेशन जो है वो 25% कार्बन फिक्सेशन को कम कर देती है. एपिग्लॉटिस इज अ बोन, कार्टिलेज, मसल, नन ऑफ अबव. सो एपिग्लॉटिस जो है ये बेसिकली कार्टिलेज है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया. कौन सा स्ट्रक्चर सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता? कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मिड्स. सो कैप्सूल जो है वो सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता. द टर्म एनेलिडा कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड फॉर फ्लैटवर्म्स, लिटर रिंग्स, पॉइंटेड एंड सेगमेंटेड बॉडी. सो एनेलिडा का जो वर्ड है ये लिटर रिंग्स इसका मतलब होता है और लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है. माइटोकॉन्ड्रिया मूव अबाउट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फ्रीली मूव करते हैं साइटोप्लाज्म में. क्यों? बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स. फूड डाइजेशन अकर्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेप्ट. फूड डाइजेशन ऑरल कैविटी में भी होती है, स्टमक में भी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है. नहीं होती तो कहाँ पे नहीं होती? लार्ज इंटेस्टाइन में. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है? आयोनिक, डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन या ऑल ऑफ अबव. सो इसमें ये तीनों तरह की बॉन्डिंग जो है प्रेजेंट होती है. Initially the classification was based on, initially जो classification थी ना वो किस चीज़ पे बेस कर रही थी? morphology पे, यानी कि form पे और structure पे. Why are bryophytes termed as amphibian of plants? Bryophytes को हम plant amphibians क्यों कहते हैं? Option A, they cannot live away from water. Option B, they need water for reproduction. Option C, their body is mainly composed of water. Option D, A and B. So option D is true. The resolving power of human eye is 1 millimeter, 1 micrometer, 2 millimeter, 2 micrometer. So resolving power हमारी eye की कितनी है? 1 millimeter. The common name for actinia is, actinia को commonly हम sea anemone के नाम से जानते हैं. The size of parvovirus is 10 nanometer, 150 nanometer, 20 nanometer, 250 nanometer. अब परवोवायरस जो है ना ये स्मॉलेस्ट वायरस है और इसका साइज़ कितना होता है? 20 नैनोमीटर.
क्योंकि जो लार्जेस्ट वायरस है जिसे हम पॉक्स वायरस के नाम से जानते हैं उसका साइज कितना होता है 250 नैनोमीटर। मैट को इन्फेक्शन एंड मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन आज कॉज बाय बैक्टीरिया विरियन प्रियन नन ऑफ अबव। सो ये इन्फेक्शन कौन काज करता है? प्रियॉन्स जो कि प्रोटीन पार्टिकल्स हैं। हीमोडायलिसिस इज, हीमोडायलिसिस क्या है? रिमूविंग द ब्लड, क्लीनिंग द ब्लड, डाइल्यूटिंग द ब्लड और ऑल ऑफ अबव। हीमोडायलिसिस इज क्लीनिंग द ब्लड, अब इट मीन्स ऑप्शन बी इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट कौन सा नहीं है? हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट जो है दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। पिवट ज्वाइंट ये फ्रीली मूवेबल नहीं है। विच ऑफ द दीज इज इनकोरेक्टली मैच्ड, रेफ्लिप आर डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग भाग के यूज होते हैं। प्रोटोप्लास्ट प्लांट इंजीनियरिंग तकनीक ये भी यूज होता है। डी एन ए लाइगेस मैपिंग ह्यूमन क्रोमोसोम्स नो, डी एन ए लाइगेस इज यूज फॉर ज्वाइनिंग द डी एन ए फ्रेगमेंट्स। गार्ड सेल्स फंक्शन एज, गार्ड सेल्स आपको पता ना स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। सो ये फंक्शन करते हैं मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वॉल्व्स। द मेन विक्टम ऑफ एचआईवी वायरस इज, एचआईवी वायरस किस पे सबसे पहले अटैक करता है? मेन विक्टम क्या है उसका? टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स ऑप्शन सी। व्हाट इज द रिस्क ऑफ कलर ब्लाइंड बेबी बॉय इन अ फैमिली व्हेन मदर इज कलर ब्लाइंड बट फादर इज नॉर्मल? सो इसका रिस्क कितने परसेंट होगा ये हम चेक करते हैं कि देखें मदर जो हमारे पास है वो कलर ब्लाइंड है, यानी उस पर जैसे कलर ब्लाइंड के लिए हम स्मॉल सी यूज़ करें एक्स दोनों पे स्मॉल सी प्रेजेंट है लेकिन फादर जो है वो नॉर्मल है, ठीक है? तो हमारे पास 100% चांसेस होंगे कि जो बेबी बॉय है वो 100% कलर ब्लाइंड होगा। डैश प्रोड्यूसेस द सेंस ऑफ प्लेयर पनिशमेंट और सेक्शुअल अरोजन, सेरिब्रम सेरिबेलम मिड ब्रेन अमिगडाला। सो अमिगडाला जो है वो प्रोड्यूस करता है सेंस ऑफ प्लेयर पनिशमेंट और सेक्शुअल अरोजल। बैक्टीरियोफेज अंडरगोज रेप्लिकेशन ड्यूरिंग, बैक्टीरियोफेज में रेप्लिकेशन कब होती है? लिटिक साइकिल के दौरान, लाइजोजेनिक साइकिल के दौरान, लिटिक एंड लाइजोजेनिक साइकिल के दौरान या बाइनरी फिशन के दौरान। सो जो कहले रेप्लिकेशन बैक्टीरियोफेज में होती है वो किसके दौरान होती है? लिटिक साइकिल के दौरान, यानी ऑप्शन ए इज ट्रू। सो आज तक के लिए इतना ही, बाकी इस पेपर के MCQs इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।